यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं कमल कौशिक और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। 29 सितंबर 2016, ये वही तारीख थी जिस दिन भारतीय सेना के जाबाजों ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और कई आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था। तब देश के लोगों को लगा था कि पाकिस्तान के रवैये में बदलाव आएगा और सीमा पार सीजफायर के उल्लंघन और आतंकी वारदातों में कमी भी आएगी, लेकिन उसके बाद भी सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग और आतंकियों को शह देने की नीति लगातार जारी है। पिछले 29 मई को भी पाकिस्तान ने 2003 में हुए सीजफायर का जो है उल्लंघन किया था, उसका पालन करने का वायदा किया था और किसी भी मुद्दे को हॉटलाइन और फ्लैग मीटिंग के जरिए बातचीत से सुलझाने पर सहमति जताई थी। तब भी कुछ आस बंधी थी, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से काराना हरकत की है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायर उल्लंघन में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीती देर रात सीज फायर का उल्लंघन किया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें सहायक कमांडेंट जतेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर रजनीश कुमार, एएसआई रामनिवास और कांस्टेबल हंसराज शहीद हो गए। पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 जवान घायल भी हो गए, जिन्हें जम्मू के सतवाड़ी में सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में अब हर कोई ये सोचने को मजबूर हो गया है, कई सवाल पूछ रहा है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है, कैसे सुधरेगा पाकिस्तान, नापाक हरकतों पर कैसे लगेगी लगाम, कैसे रुकेगा सीज फायर उल्लंघन और कैसे हमारे देश के सैनिकों की शहादत जो है उस पर लगाम लगेगी, कब तक हमारे देश के जो जवान हैं, जो जाबाज हैं, वो कब तक इसी तरह से सरहद पर शहीद होते रहेंगे। ये कई बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। जी हाँ, अगर पाकिस्तान का इलाज क्या हो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारत भूषण ज्वाल, बीजेपी नेता हैं, भूम सिंह राणा, कांग्रेस नेता, दिलबाग नैन, इनेलो नेता, और इसके अलावा रिटायर्ड मेजर डॉक्टर आनंद सनवारिया भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल ज्वाल साहब आपसे ही होगा, आपकी सरकार है, आपसे पूछा जाएगा कि बार बार सीजफायर का उल्लंघन क्यों सर? मैं बड़ी जिम्मेदारी और संजीदगी के साथ ये कहना चाहूँगा पहले कि आज देश जिस स्थिति में है, उस स्थिति को देखते हुए और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी सरकार ने आईएसआई का और आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है, उससे बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है। और आईएसआई को अपने आप को ये साबित करने के लिए कि अभी भी हम शक्तिशाली हैं, आतंकवादी गुटों को ये साबित करने के लिए कि हम अभी भी शक्तिशाली हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियां हों या कुछ अलगाववादी लोग हों, अपने आप को ये साबित करने के लिए कि अभी भी हमारी पकड़ जो है वो अलगाववादियों पर है और हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे कहने के इशारे पर काम करने को तैयार है, ये उसकी बौखलाहट का और हताशा का निराशा का परिणाम है। बौखलाहट और निराशा का परिणाम ये भले ही है जिस तरह से सरहद पर अभी भी हमारे देश के जवान जो है शहीद हो रहे, लेकिन इसको भी तो रोकना होगा सर, कब तक ये बौखलाहट जो इसी तरह से सहन करेगा देश? निश्चित रूप से रोकना होगा और सेना और सरकार दोनों फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक में और एक्शन टेकिंग में, दोनों तरीके से सक्षम रूप से काम कर रही है और उसी बौखलाहट का नतीजा है। देखिए, जितनी गर्दन नापी जा रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या सर, में और भी हो सकते हैं। क्या कुछ नीति बन रही है अभी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का ये मुद्दा है, कोई भी ऐसी बात नहीं, सर काम हो तो दिखेगा, तो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए ये कह रहा हूं कि जिस स्तर का ये मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, ये विदेश नीति से जुड़ा मुद्दा है और देश की रक्षा नीति से जुड़ा मुद्दा है, हम उस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरकार की ओर से सारे देश को ये आश्वासन देता हूं और ये प्रूव भी हो रहा है, साबित भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संजीदगी के साथ शहीद, शहीद हो रहे हैं जवान, हमें बड़ा दुख होता है। भूम सिंह राणा जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक बेअसर रही है, पाकिस्तान क्यों नहीं मान रहा? आज से 4 साल पहले मोदी ने यही मुद्दे को लेके कि सैनिक शहीद हो रहे हैं चीख चीख के कहते थे भाषणों में कि हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, परंतु शर्म आती है, वो आदमी जहां पर एक्शन लेना चाहिए था वो नवाज शरीफ के घर जाके, पाकिस्तान जाके मिठाइयां खा रहा है उनकी जाके वहां पे। और जो सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात मैं कहूं कि आज ये कह रहे हैं, हम तो इस बात के लिए
कि आज हमारे सैनिकों को मरने दो, एक्सपेरिमेंट करने दो, उनको तो ये बौखलाहट का मुद्दा ही है भी, हमारे लोगों को मारते रहे वो। इतना तकड़ा सीज फायर कभी नहीं हुआ पिछले 20 30 40 सालों की अगर बात करें तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह की हरकतें हमारे साथ करे। लेकिन आप ये भी देखें ना, ऑपरेशन ब्लैकआउट भी जिस तरह से ऑल आउट चलाया है सेना ने, उसमें कितने आतंकी मारे गए हैं उसमें। मैं एक बात देखिए कि आज हमारे सैनिक, इस बात में हमें कोई वो नहीं है कि सेना का अपना काम है, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा राजनीति नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। परंतु ये जहां हमारे इतने सैनिक शहीद हो रहे हैं, पहले इतने सैनिक शहीद नहीं होते थे। हम ये कहते हैं कि चाहे वो कड़े निर्णय लेने पड़े, परंतु नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल कोई तीसरे दिन विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, उनकी क्या नहीं गलत क्या है विदेश यात्रा जाने के लिए सर? आज उसका परिणाम क्या निकल रहा है? अगर शांति वार्ता स्थापित करने के लिए अगर पाकिस्तान चले भी गए तो उसमें गलत क्या? और गलत इसलिए है कि जो दिखावा कर रहे हैं वो आज हर एक चीज का, भी हम क्रिकेट मैच नहीं खेलते, हम वो नहीं करते, हम ये नहीं करते, किस तरह की आज लोगों की भावनाओं को तो भड़का रहे हैं। और आज हिंदू की और मुस्लिम की बात करके आज लोगों को भड़का रहे हैं, परंतु जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने सरकार बनाई हुई है वहां पे। तो सर सरकार बनाना गलत हो गया? आज सरकार बनाना गलत इसलिए हो गया कि जिन मुद्दों के ऊपर जिसके देश को चीख चीख के कहते थे हम ये करके दिखाएंगे, आज वो मुद्दे कहां साहब आपके पास आएंगे जरूर। देखिए जैसे पहले कांग्रेस सरकार के टाइम नरेंद्र मोदी जी बड़ा चीख चीख के पुकारते थे स्टेज के ऊपर, बोलते थे 56 इंच का सीना अपना दिखाते थे पाकिस्तान के खिलाफ। और मैं समझूंगा कि एक हमारे फौजी भाई थे हेमराज, उनका सिर पाकिस्तान वाले फौजी काट के लेके गए थे जी। और उस मुद्दे पे मोदी जी ने ऐसी राजनीति की और जो वोट इकट्ठा किया वो मेन वोट तो इसी मुद्दे पे इकट्ठा किया कि भी मैं पाकिस्तान के खिलाफ ये करूंगा, मैं पाकिस्तान के खिलाफ ये करूंगा। सर उसके बाद क्या ना सर्जिकल स्ट्राइक तो की थी ना? मैं समझता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद आप चुप क्यों हैं? अब तक तो सर्जिकल स्ट्राइक और भी 2 बार 4 बार 6 बार हो सकती थी, पाकिस्तान को चुप कराना था, पाकिस्तान को चुप कराने के लिए और भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल नहीं की। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ज्यादा हमले हुए हैं, बॉर्डर पे हमले ज्यादा हुए हैं, हमारी सेनाओं पे अटैक ज्यादा हुए हैं, अंदर घुस के ज्यादा अटैक हुए हैं, और यहाँ पे बॉर्डर पे तो हुए हुए हैं नक्सली हमले जो हो रहे हैं वो भी पहले वाली सरकारों से डेढ़ गुना ज्यादा बढ़े हैं। रक्षा मंत्री ने भी कहा था ढाई मोर्चे के लिए तैयार जो है सेना को रहना पड़ेगा। ज्वाल साहब जवाब दे रहे, उसके बाद आपके पास मैं बड़ी संजीदगी के साथ मैंने पहले भी निवेदन किया था, अगर इस मुद्दे को हम राजनीतिकरण ही इसका करना चाहें तो मोदी ने किया था। देखिए मैं आप सुनिए जरा, बोल रहे थे आप हमने किया था, देखिए आप हम ऐसा करेंगे, देखिए आप बोलने नहीं देंगे तो फिर इस बात का बोलिए सर बोलिए। जब तक हम ये मान के चलेंगे कि हम इस चर्चा में खाली पक्ष और विपक्ष के तौर पर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए बैठे समस्या का समाधान, सवाल तो पूछे जाएंगे ना, लेकिन बिल्कुल सही सवाल पूछे भी जाने चाहिए, सही उत्तर देना हमारा दायित्व क्योंकि सरकार में है। आप स्वयं मान रहे हैं मेरे इनोला के प्रवक्ता भाई कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो है आतंकियों के आक्रमण या धोखे से छिप करके वार करने की वारदातें बढ़ी हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक और बढ़ना चाहिए था निश्चित रूप से, लेकिन मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पे तमाम विपक्ष ने सेना से और भारतीय सरकार से इस प्रकार के सबूत मांगने की हिम्मत कैसे की? क्या रोक रखे हम हमारे उस समय तो सबूत मांगते हैं, हमारे चार चार सैनिक मारे जाएंगे, हमारे चार चार सैनिक मारे जाएंगे, हिंदुस्तानी जनता पूछेगी। आप अगर चर्चा में सर्जिकल स्ट्राइक भले ही हुई एक सर के बदले 10 सर लाने की बात हुई थी सर, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था, लेकिन उसके बावजूद जवान हमारे शहीद हो रहे हैं। निश्चित रूप से मैं दावे से कह रहा हूं, आपने भी एक प्रश्न किया था कांग्रेस प्रवक्ता भाई से कि जब पहले आतंकवाद की घटनाएं होती थी तो तब कितने आतंकी मारे जाते थे और कितने सैनिक मारे जाते थे, उसके रेशो में उसकी तुलना में देखिए एक के खिलाफ 10 सर मारे जाते थे, मारे गए हैं निश्चित रूप से 2018 में सबसे ज्यादा, 2017 में माफ कीजिएगा, और अगर तुलना करें 2011 से 2013 और 2014 से लेकर 2017 सर चार गुना बड़े हैं आतंकी घटनाएं निश्चित रूप से बड़ी हैं सर, लेकिन हमारे जवान शहीद हुए हैं सर, मैं वही कह रहा हूं आतंकी चार गुना ज्यादा, चाहे वो बात हो सर्जिकल स्ट्राइक के उल्लंघन की, माफ कीजिएगा सर्जिकल वायलेशन की हो। मैं क्या कह रहा हूं इसमें एक अकेला मुद्दा ये नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा क्यों नहीं हुआ, देखिए देश की राजनीति में पहली बार आप देखिए कि रक्षा मंत्री अपने गृह मंत्री जी अभी गए, उनके स्वागत में हजारों की संख्या में नौजवान जो है देश की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आ रहा है, ये आतंकियों को हताहत करने का बौखलाहट का कारण है।
बौखलाहट भले ही इफ्तार पार्टी में राष्ट्रीय गान गाया जाना पहले नहीं था, गाया जा रहा है, ये बौखलाहट तो इससे सैनिकों के चाहे इफ्तार पार्टी के लिए राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है, सैनिक शहीद होने बंद हो गए इस बात से, स्ट्राइक हुई हो देश के अंदर, चाहे एक सर के बदले 10 सर लाने की बात हुई हो या फिर गृहमंत्री राजनाथ सिंह अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हो, लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है? क्या जवानों की शहादत पर रोक लगी? सर बढ़ गई है शहादत? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। सनवारा साहब, सवाल एक ये भी है कि क्या लगता है कि कश्मीर एजेंडे को जिंदा रखने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता है, सीज़फ़ायर का उल्लंघन करता है पाकिस्तान? कौशिक जी और अंकिता जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन शहीदों को सैल्यूट करता हूं और मेरी तरफ से और सारे भारतवर्ष की तरफ से उनकी शहादत को नमन करते हुए मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो देश, जो जनता अपनी फौज को जैसा ट्रीटमेंट करेगी, अगर उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं देगी, इज्जत से नहीं करेगी, तो उस पर विदेशी राज्य करेंगे। अब मैं अपने साथियों को, मेरे आजू बाजू बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी लड़ाई मैं देख रहा हूँ, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से उन प्रवक्ताओं को, उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं आज ये प्रार्थना कर रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ कि इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठाएं। जिसका आदमी मरता है, जिसकी फैमिली का आदमी मरता है, उसको ही पता होता है कि डेथ क्या होती है। लेकिन मैं भी एक सोल्जर रहा हूँ, हम बदकिस्मती से ऐसे एक पड़ोसी के बॉर्डर को मैन कर रहे हैं जिसकी कोई भी नीयत साफ नहीं है, उसका कोई प्रिंसिपल असूल नहीं है। अभी ये जो सीज फायर किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये मान के किया था कि ये अमन चैन का महीना है, रजमान का महीना होता है तो शांति से रहेगी, पर आपके माध्यम से और हर रोज देखते हैं कि इतनी सीज फायर वहाँ की हैं, तो उसका अभी हमारे जो जवान ऑफिसर शहीद हो रहे हैं उनका ये बता देना चाहता हूँ। ये कहें कि जी आज हमारे 4 जवान शहीद होते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि पूरा डिटेल शायद नहीं बता पाऊंगा, भारतवर्ष को बता देना चाह रहा हूँ कि अब लोकल कमांडर को पूरी छूट है कि वो हालात को देखते हुए रिएक्शन ले। सवाल 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 ये कि अभी तक भी अगर 2018 के ही सिर्फ आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक 24 हमारे जो जवान हैं, 24 जवानों के साथ करीब 50 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है जी। रुक नहीं रही, बढ़ ही रही है ये घटनाएं। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपको, तो उसके लिए तो आप मेरे को एक सजेस्ट करना चाह रही हैं शायद, मैं बिकॉज आप आर्मी से वाकिफ नहीं है कि घटनाएं बढ़ गई, जवानों के शहीदात बढ़ गए, 3 साल में वो 4 गुना बढ़ गई, तो उसके लिए जो आप सोचते हैं या सजेस्ट कर रहे हैं कि हम एक डिक्लेयर वॉर कर दें उसके ऊपर, नो, ये वॉर डिक्लेयर करना एक बहुत नहीं, सिर्फ वॉर डिक्लेयर करना एक रास्ता नहीं है, इसके अलावा भी और रास्ते हैं, दबाव कूटनीतिक नीतियों के तहत उसको रोका जा सकता है, वो फिर वो पॉलिटिकल पार्टियां जो है, उन सरकार है वो कर रही है, लेकिन पूरा दबाव हमारे भारतवर्ष की सेना के द्वारा उनके ऊपर बनाया गया है। ज्वाल साहब, क्या कूटनीतिक अपना जो है रास्ते से पाकिस्तान को रोकने की कोशिश कर रही है आपकी सरकार? बिल्कुल निश्चित रूप से कर रही है, आप ही के चैनल के माध्यम से रोज खबरें देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने विदेशों में जाकर के, अलग अलग फ्रंट्स पर जाकर के, मोर्चों पर जाकर के पाकिस्तान को बिल्कुल अन्य राष्ट्रों से अलग थलग कर दिया है। अमेरिका जैसा देश निश्चित रूप से, सर दबाव क्या बनाया आपने? दबाव ये नहीं, दबाव बनाया आर्थिक मदद थी, जो पाकिस्तान को आर्थिक मदद थी वो बहुत कम रह गई है और स्पष्ट हो गया है अंतरराष्ट्रीय मंच पर कि अब तक पाकिस्तान आतंक को मिटाने के नाम पे जो आर्थिक मदद लिया करता था उसको आतंक को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये अब स्पष्ट होकर के सभी चैनलों से भी देशों के मध्य आतंकी देश जो है पाकिस्तान को कई राष्ट्र जो है वो घोषित कर चुके हैं, लेकिन भारत ने अब तक घोषित नहीं किया है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी अभी सबसे पहले तो मैं सलूट करता हूँ फौजी साहब को जो हमारे बैठे हुए हैं प्रवक्ता। तो फौजी साहब, आपने बात की कि भी सभी विपक्षी पार्टियाँ राजनीति ना करें सर्जिकल स्ट्राइक पे, मैं आपको बताना चाहूँगा सर्जिकल स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा राजनीति करी तो भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद स्टेज पर जाके इतनी बार बोला कि भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पहले वाले सरकारों ने क्या किया, तो वो जो राजनीति करने वाली बात है वो सबसे ज्यादा राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। और मैं
ये आपको बताना चाहूंगा कि भी जब तक अपना भारतीय जनता पार्टी इस महबूबा मुफ्ती से अलग होके न अपनी इसको समर्थन ना छुड़वा दे, जब तक ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है वो महबूबा मुफ्ती। आप कैसे कह सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती से जो है गठबंधन तोड़कर कम हो जाएंगे ऐसे हमले? मैं आपको बताना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती जो है वो हर बात पे, जैसे अभी पत्थरबाजों के बारे में महबूबा मुफ्ती ने मुद्दा उठाया कि भी इनको माफ कर दो, भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि ठीक है इनको माफ कर देंगे। उसके बाद एक महीने का महबूबा मुफ्ती ने मुद्दा उठाया कि जी एक महीना रमजान का महीना है, रमजान के महीने में इनको स्ट्राइक ना करें। सुनो एक मिनट। उसके बाद सरकार ने यह भी मान लिया और उसके बाद आगे भी टाइम दे दिया उनको, आगे भी टाइम दे दिया कि भी आगे भी आप इसको सर्जिकल स्ट्राइक ना करें, उनका डर खत्म है। पता चलिए जवाहर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। जवाहर साहब, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार यह भी कहा था कि एक तरफा जो है संघर्ष विराम की मांग वो कर चुकी हैं, क्या लगता है कि सेना पर दबाव नहीं बनता इससे? सर देखिए, अब तक जो होता रहा था वो यही होता था पुरानी सरकारों में कि भारत की सेना को अपना खुल करके काम करने का अवसर नहीं मिला करता था, और अब जब काम करने का अवसर मिला है तो सेना ने एक्शन किया है। और जिसको मेरे भाई कह रहे हैं भी सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति की बात आती है, सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति नहीं थी, सर्जिकल स्ट्राइक को सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और भारत में यह विश्वास पैदा करने के लिए जनता के बीच कि भारत की सरकार जो है किसी भी हद तक जाकर के चुनाव के स्टेज पे आ गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे आप वोट हासिल किए, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो आप ही बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी वोट हासिल किए देश के। आप बताइए कांग्रेस के, आप बताइए कांग्रेस के कार्यकाल में कितने सर्जिकल स्ट्राइक किए साहब? ये कहते हैं बताइए ना, भी होते रहे हैं, बताइए कितने। कांग्रेस गाती नहीं थी, आपने कितने सर्जिकल की बात को कृपया बताइए, कृपया बताइए, गुमराह मत करिए। ये पॉलिटिकल स्टेजों पे जा रहे हैं आप, स्पष्ट बताइए, आपने बताइए भारतीय जनता पार्टी का किसी कार्यकर्ता का क्या स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक में? अगर आप कह रहे कांग्रेस की कार्यकाल कितने बार जो स्ट्राइक हुए बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक में ऐसे कदम उठाए गए बताइए, पाकिस्तान को रोका जाए? पाकिस्तान को पहले भी रोका गया है, कांग्रेस के टाइम के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, परंतु वो पॉलिटिकल रैलियों में गए नहीं गए। आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बताएं भी सर्जिकल स्ट्राइक में उनका क्या रोल है? सेना के अपने नियम है, अब अपने तरीके से सेना काम कर रही है, तो सरकार नहीं करती है, सरकार नहीं, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता सलाह मशवरा दिया होगा। जिस तरह लोग जम्मू कश्मीर के अंदर अगर एक महीने में जो महबूबा मुफ्ती की जो बात मानी गई है उससे आज सेना का मनोबल टूटा है उसके अंदर, और जहां पर पत्थरबाजों के ऊपर जितने मुकदमे दर्ज किए गए थे, जितने लोग मारे गए उसके अंदर, जितने घायल हुए, संघर्ष विराम लगाने की बात हुई है रमजान के महीने में, सिर्फ इसी महीने में शहीद नहीं हो रहे जवान, जब से रमजान के महीने में संघर्ष विराम लगाया गया वहां पर एक तरफा, इससे पहले भी शहीद होते रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकाल था तब भी शहीद होते रहे। सर मैं ये कह रहा हूं कि आज जब मोदी जी एक बात कहते हैं कि हमने ये किया वो किया ये, और आज हम अपनी नहीं सर, कम से कम राजनीति तो मत कीजिए इस पर, इसके अंदर नहीं, हम एक बात कहते हैं कि आज इसमें राजनीति की ये बात है कि जब सैनिक शहीद हुए हैं आज वो इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है, क्या सरकार इस बात में सोच नहीं सकती? चलिए सनवारे साहब से पूछ लेते हैं, सनवारे साहब कितने बार सनवारे साहब से पूछ लेते हैं, बेहतर बताएंगे कम से कम कि आखिरकार 100 गांव हमारे जवानों की शहादत क्यों हो रही है सनवारे साहब? कौशिक साहब, और इसमें राजनीति हो रही है तो सरकार की कितनी जो भूमिका होती है? मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आर्मी को इतना बिलिटल ना करें कि हमारे जवान ही मर रहे हैं, और ऐसा दिखाया जा रहा है मेरे पॉलिटिकल विसादों द्वारा कि हमारे बहुत सारे शहीद मर रहे हैं, तो इसका मतलब हम पूरी तरह से फुली इक्विप्ड नहीं है। नहीं, ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हमारी हिंदुस्तानी फौज वर्ल्ड की बेस्ट फौज में से एक है। आपका ध्यान मैं दिला देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान, हालांकि इनकी सरकार ने कोई उसको टेररिस्ट स्टेट नहीं माना, लेकिन जो भी आतंकी वहां से आते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके होते हैं, और मेरी भारतीय गर्वित सेना ने इस दौरान में जिसको आप समय बता रहे हैं 2-3 साल का 220 लोगों को ढेर कर दिया है। तो जो अब आपने एक सवाल पूछा कि ये बढ़ क्यों गया मामला जी, तो बिकॉज हमारा जो दुश्मन, मैंने बताया कि अनप्रिंसिपल्ड टेररिस्ट टाइप ऑफ पड़ोसी हमारा है, उसके कोई, देखिए आर्मी में प्रिंसिपल्स होते हैं, एक सीज फायर होता है,
एक तरफ से नहीं होता, दोनों डीजीएमओ आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। लेकिन सनवारे साहब, अनप्रिंसिपल्ड है हमारा नेबर, हम नेबर को नहीं बदल सकते हैं, ये कहावत भी है कि पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन क्या इलाज हो सकता है पाकिस्तान का सर, उसको रोकना तो होगा ना, क्या इलाज है जो आप आर्मी में रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान का तो इलाज करना ही पड़ेगा, और मुझे लग रहा है, देखिए मैं पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं बता सकता हूँ, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की बातें कर सकता हूँ। लोकल कमांडर्स को पूरा हुक्म है कि वो जितने भी मार सकते हैं और मारते होंगे, हमें पता नहीं चलता वहां से होता है, लेकिन अभी भी हमारे हिंदुस्तान भारतवर्ष में अभी तक कोई रक्षा नीति नहीं बनी है हमारी। ये फर्स्ट टाइम एक कंट्री है जिसके ऊपर अभी तक 70 साल से रक्षा नीति नहीं बनी है, तो रक्षा नीति बननी चाहिए। दूसरा, जो बजट आर्मी को दिया जाता है वो एक मिनिस्कल बजट होता है, इस बार भी कटौती की गई आर्मी को देने वाले बजट को बहुत तेजी से सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर उठ के, मैंने बताया अगर फौज की इज्जत नहीं करोगे तो आप पे राज्य कोई और करेगा, ऐसा दूसरी कंट्री में होता रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान में देखा है ये चीज जो है, जब हुई थी फौज का राज जो है वो देखा है बिल्कुल जाहिर तौर पर। जुआल साहब, रक्षा बजट में कटौती आप करते हैं सर जी, आप ये देखिए कि अगर रक्षा बजट में एक माइन्यूट सी कटौती की गई है तो उसका रक्षा बजट में कटौती का सबसे ज्यादा बजट रक्षा का दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव उनका बढ़ा दिया गया वो वेतन। अब प्रश्न मेरे से पूछा जा रहा है, जवाब राणा जी उत्तर देने दीजिए, रक्षा बजट में कमी के कारण आप एक उदाहरण दे दीजिए कि रक्षा सेनाओं को किसी प्रकार के आर्टिलरी के लिए, किसी प्रकार के रक्षा उपकरणों के लिए कमी आई हो। अभी देखिए जितना खरीद रक्षा उपकरणों की भारतीय सेना बाहर से करती थी, उतना अब देखिए कि भारत में उसका उपकरणों का यहाँ पर निर्माण होने लगा है। भारतीय सेना के लिए जो टैंक्स हैं, जो अपने लड़ाकू विमान है, वहां तक पनडुब्बियां तक हम अपने देश में बनाने लगे हैं, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि रक्षा बजट में कमी। बता दीजिए, क्या लगता नहीं कि सेना या सरकार को खासकर कोई सख्त पॉलिसी बनाने की जरूरत है निश्चित रूप से के खिलाफ आज, और ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, 4 साल हो चुके हैं। देखिए मैं राजनीति से अलग इस विषय को बिल्कुल एक से कह सकते हैं, देखिए सरकारें जो करती हैं वो नाकाफी कभी नहीं हो सकती, संपूर्ण हल जो है आर्मी के पास कभी नहीं हो सकता और एक सरकार के पास भी कभी नहीं हो सकता, क्यों, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, इसलिए नहीं हो सकता है कि एक जनमानस से जुड़ा हुआ मामला होता है। कश्मीर के मुद्दे पर हमने हमेशा यह प्रयास किया है, पुरानी सरकारों ने भी, आज की सरकार में भी, कहीं ना कहीं मेज पर बैठ करके इसका हल निकालने की कोशिश की है, क्योंकि कश्मीर में जब हताहत होते हैं तो भारतीय जनता होती है, कश्मीर के लोग हैं वो इस देश के अखंड भूभाग के लोग हैं, उस समय कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा, लेकिन फर्क कहां पड़ता है, देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर कुछ गलत होता है देश विरोधी, तो देश के बहुत सारे लोग और राजनीतिक दल उसका समर्थन करते हैं। बुरहान वनी का अगर इस पर एनकाउंटर हुआ और मारा गया तो उसके ऊपर राजनीतिक पार्टियां ये दोष लगाती हैं भारत सरकार पर कि देखो जी उनको मार दिया गया, और उसको जोड़ के संवेदनशीलता के साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए राष्ट्र, इसलिए सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है और शह मिलती है आतंकवादियों को और अलगाववादियों को शह मिलती है, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा भारत में सरकार अभी आपकी है, एनडीए की सरकार है केंद्र के अंदर, क्यों आतंकी देश हम नहीं घोषित करते हैं पाकिस्तान को, क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है हम जो है अभी भी देकर रखते हैं पाकिस्तान को, जब इतना सब हो रहा है। देखिए मैं विदेश नीति का और रक्षा नीति का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं एक आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या इस देश का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते कह रहा हूं कि पड़ोसी के, जैसे आप सभी और सब बोलते हैं कि पड़ोसी का एक अपना धर्म होता है, जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत ये डिमांड करता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच उसे पाकिस्तान को घोषित करे और पाकिस्तान को घोषित कर मोस्ट फेवर्ड नेशन का उरी हमला हुआ था, पूरे देश को उसने हिलाकर रख दिया था, उस समय भी हमारे जो जवान है वो शहीद हुए थे, सबने देखा। उसके बाद एक समीक्षा बैठक होती है और ये कहा जाता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर समीक्षा की जाएगी, और आज 2018 लग चुका है, कितने समीक्षा हुई है सर, समीक्षाओं का परिणाम देखिए, रक्षा सूत्र, रक्षा विशेषज्ञों की बात को लेकर चले, रक्षा नीति की बात लेकर के चले, तो पूरे देश के सामने सार्वजनिक तौर पर रक्षा नीतियां नहीं आया करती हैं। मेजर साहब बैठे हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उनसे कहना चाहूंगा, सार्वजनिक तौर पर रक्षा मंत्रालय की बातें सामने नहीं आती है। मोस्ट फेवरेट नेशन दिया हुआ है भारत ने, किसको, पाकिस्तान को। मोस्ट फेवरेट नेशन एक भींगे पड़ोसी
दिया हुआ है एक तरफ एक चीज के लिए दे रहा है, लेकिन धोखा अगर अपना भाई और मोदी जी तीसरे दिन विदेश जा रहे हैं इस बात के, इस बात में भी कोई कमी नहीं है। अगर हम विदेश पाकिस्तान को अलग थलग, अभी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि अलग थलग करने के लिए उनको किया नहीं है, पूरे संसार का दौरा कर रहे हैं, किया है अपने आप तो कह रहे किया है। अगर हम बातें बातें करते हैं ना तो कमजोर पड़ते हैं हम, कुछ करने की जरूरत है आज। अभी केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है, हालांकि बीते दिनों जो है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की ओर से भी कहा गया कि हम नीति बना रहे हैं कि कैसे जो पानी जो सिंधु जल समझौते के तहत जो है इन नदियों का पानी जो पाकिस्तान को जा रहा है उसको रोका जाएगा, एक जलवार जो है करने की बात कही जा रही है। बहुत गहरा मुद्दा आपने किया है, ऐसे ही संसद, ऐसे ही साधन है, ऐसे ही नीतियां हैं जो पाकिस्तान को एक लड़ाई की बजाय दूसरे माध्यमों से हराया जा सकता है, रोका जा सकता है। भी सवाल है कि 2016 में भी सिंधु जल समझौते को लेकर भी समीक्षा बैठक हुई थी, अभी तक क्यों नहीं कर पाए? चार साल हो गए हैं मोदी जी, जिन बातों में तो काम करना चाहिए उन पे तो काम कर नहीं रहे। अब ये बताएं ना, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ चार साल के अंदर मोदी जी हमें बताएं उस मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं बात हुई है। अगर उस पे बात होती है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है, वो हमारे रहमो कर्म पे पाकिस्तान रहेगा और ऐसी हरकतें करने से बंद होगा, वो समस्या का समाधान भी हमको ढूंढना है। अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है, अगर प्रॉब्लम होगी वी हैव टू कम फॉरवर्ड जो जा रहा है, तो सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम आल्सो एक कड़ी मार नहीं होगी? ये कड़ी मार होगी अगर ऐसी पॉलिसी बनती है, परंतु मोदी जी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है इस बात के लिए। वो क्यों नहीं ऐसी नीतियां बना रहे हैं, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वो इतना बड़ा समर्थन दिया है, मैं आपकी पार्टी से, मैं इस चैनल के माध्यम से, प्लीज मैं इस चैनल के माध्यम से सारा हरियाणा प्रदेश और देश के लोग सुन रहे हैं, मैं आपकी पार्टी के इस मुद्दे पर विचार कर रहा हूं। अगर मेरे पास सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप बताइए राष्ट्र को, ये ऐसा मुद्दा नहीं है, आप राष्ट्र को समाधान तो बताइए, आप बताइए कौन सा समाधान है आपके पास केंद्र में, आपने क्या कौन से कदम उठाए, बताइए कौन सा समाधान है। जब देश में 70 में सुई नहीं बनती थी, मेजर साहब ये जानते हैं पूरी तरह से कि देश को कितना आगे बढ़ाया कांग्रेस पार्टी ने, कितनी उन्नति की है उसके अंदर। रक्षा की बात नहीं, कश्मीर मुद्दे की बात हो रही है, कश्मीर मुद्दे पर बोलिए। है नहीं कि कितने आगे बढ़ाया, बात यह है कि आपने सरहद पर शांति बनाने के लिए क्या किया। सरहद पर भी 14 से पहले इतने बड़े हालात नहीं थे जितने आज के दिन में। मैं बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण किया था तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संपूर्ण विपक्ष के सामने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को सम्मानित किया था यह कह करके कि दुर्गा रूपेण है जी। और जब उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया तो आपकी कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल यह कहा कि इससे हमारा देश पूरे विश्व आपका पूरा विश्व कर जाएगा। मैं आपकी नीति की बात, मैं कांग्रेस पार्टी की नीति की बात करना चाह रहा हूं, आपकी नीति हमेशा धोखा देने की है। आप राष्ट्रवादी लोगों का साथ देते रहे हैं, बुरहान मनी की ब्रेक के बाद चर्चा यूं ही जारी रहेगी और यह भी सवाल होगा कि आखिर क्या पाकिस्तान का इलाज क्या है और क्यों ऐसे हमारे जवानों की शहादत लगातार होती रहती है और पूरे देश को दुख होता है और देश भी पूछ रहा है मोदी सरकार से। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सरहद पर जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार नापाक हरकतें की जा रही हैं, सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तान का जवाब क्या हो, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और आखिर कब तक हमारे देश के जवान यूं ही शहीद होते रहेंगे, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है, सनवारे साहब आपके पास आते हुए इससे पहले हमने बात की कि सिंधु जल समझौते के तहत देश की कोशिश है कि पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है उसको रोका जाए भारत के अंदर ही, लेकिन चीन को कैसे भूल जाता है देश उस वक्त पर, चीन जो है वहां पर बीच में अड़ंगा डाल सकता है क्योंकि चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है। बिल्कुल अनिता जी, आपने बड़ा एक इम्पॉर्टिनेंट सवाल पूछा है, बट शायद मैं उसका आर्मी ऑफिसर होने के नाते जवाब देने के काबिल नहीं हूँ, ये पॉलिटिकल है, लेकिन स्थिति खराब हो जाएगी देश के अंदर उस वक्त। नहीं, ये बहुत जरूरी है, लेकिन मैं विदाउट एनी पॉलिटिकल रेफरेंसेस अभी डोकलाम का ध्यान आपकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। वो भारतीय सरकार जो अब मोदी जी के नेतृत्व में वो ढोकलाम को जिस तरह से हैंडल किया, मैं उनकी सराहना करता हूँ एज ए सर्विसमैन होने के नाते, बट मामला वही घूम फिर के आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस अपने सब पॉलिटिकल नैरो माइंड से ऊपर उठ कर के भारतीय भारतीय सेना का मोराल सब मिल कर के उठाएंगे, उनको
कोई कमी नहीं हो रही अस्त्र शस्त्र पूरी तरह से, और पाकिस्तान को मारने के लिए तो एक सवाल है आपसे, बीइंग ए सोल्जर है, आप एक सोल्जर रहे हैं, मैंने लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल आपसे वाकिफ है हम, क्या लगता है कि क्या हो सकता है, किस तरह से दबाव पाकिस्तान पर भारत बना सकता है, और उसे एक डर कैसे दिखाएं कि वो डरे कि अगर एक हमला हम उनकी तरफ से होगा तो हम उसका विनाश कर देंगे। बिल्कुल कौशिक साहब, आपकी बात सही है कि उस पर दबाव बनाने के लिए तो मल्टी प्रोंग अटैक करना है, खाली आर्मी एक सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज आर्मी इन आइसोलेशन किसी कंट्री पे अटैक नहीं कर पाता। अरे मैं उस कमेटी में, कमेटी नहीं, मैं उस वक्त डॉक्टर था जब 97,000 सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया था, वो हमें वापस देने पड़े। तो इन आइसोलेशन आर्मी कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, जिस दिन पॉलिटिकल विल होती है तो वो पाकिस्तान को। क्या आपको लगता है, जैसे अगर हम बात करें कि उत्तर कोरिया और अमेरिका दोस्त बन गए हैं करीब 70 साल बाद, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी जरा सी भी आपको उम्मीद नजर आती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और कल मैं एक डिबेट में था और कल की जो महामुलाकात हुई है वो बहुत बहुत ही खुश नामगार में हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ ये चीज संभव नहीं है। एक धोखेबाज है पाकिस्तान। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धोखेबाज के अलावा उसके तो डीएनए में ही एंटी इंडिया बात आई हुई है, और अपने सर्वाइवल के लिए वो हिंदुस्तान से कभी कोशिश तो की थी हाँ। मोदी ने, जोयाल साहब कोशिश तो की थी, तभी गए थे शांति दूत बनकर नवाज शरीफ से मिलने के लिए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, ये भी आजमा के देख लिया। आज तक किरकिरी हो रही है, विपक्ष आप पर निशाना साधता। देखिए, विपक्ष निशाना साधता रहेगा जी, ये जो अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेटिक प्रयास हैं ये हमेशा से जारी रहे हैं और रहेंगे भी। हम नहीं कह सकते कि वार्ता में जाकर के बैठना नहीं होगा, बुलाना नहीं होगा, बुलाने पे जाना नहीं होगा, यह निश्चित रूप से, लेकिन आर्मी अपना काम कर रही है, आर्मी को ये नहीं रोका गया कि हम वार्ता के लिए जा रहे हैं और पीछे वो मार दें तो तुमने हथियार डाल देने हैं या तुमने चुप करके बैठे रहना है, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। मैं देखिए इस बात को यहां राष्ट्र के साथ जोड़ना चाहिए, प्रयास करूंगा कि जिस समय भारत दबाव बनाता है पाकिस्तान के ऊपर, उस समय एक कन्हैया बोल करके यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगा देता है, पाकिस्तान समर्थक नारे लगा देता है, और भारत की जनता में राजनीतिक दलों के ही लोग ये कहना शुरू कर देते हैं। अभिव्यक्ति की बात आ जाती है, उससे मनोबल गिरता है देश का और दूसरे लोगों को जो आतंकवादी है, चंद लोगों की वजह से आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अलगाव राष्ट्र का मनोबल गिरता है कि अपने ही देश में अपने ही देश विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जा रहे हैं। सजा दिलवाई अभी तक उनको बताइए, क्या सजा दिलवाई आपको? मैं वही तो कह रहा हूं कि अभी भी जेल से बाहर, इसी से तो देखिए, वो एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में सरकार जो है कानून को, अदालत को ये निर्देश नहीं दे सकती कि आप इसको एकदम से ये सजा दे दीजिए। कोशिश जो है वो कई बार की गई, अभी भी जो है संघर्ष विराम फिर से 30 मई को जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस मेरा कहने का सिर्फ अर्थ है, मैं किसी पार्टी विशेष पे बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन ये पूरा राष्ट्र राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ और जो पाकिस्तान समर्थक लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर ये कश्मीर के कितने ही युवा हैं जो जाकर आतंकियों के साथ मिल रहे, क्यों हो रहा है देश के, इसको भी तो रोकना होगा। यही तो कह रहे हैं कि वो भी तो राजनीतिक दलों से लोग कई जुड़े हुए हैं, आज मुफ्ती हम कहते हैं कि महबूबा जी के गठबंधन कर लिया, आप कह रहे हैं कि क्या वो लोग, आप कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर से जो युवा हैं जो कश्मीर के, वो अगर आतंकियों के साथ जा रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश किया गया, जिसके अंदर राजनीतिक लोग हैं आ रहे हैं। अब परिस्थिति उल्टी है, आज जो है युवा जो भटके हुए थे वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और भारतीय जनता के लोग हैं, तो नाम उजागर करते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में बदलाव आया है, ये आप देख रहे हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए शांति की कोशिश कर ली, वहां पर शांति दूत बनकर प्रधानमंत्री गए भी, हालांकि विपक्ष ने जो है कई बार उनको घेरा भी, लेकिन इसके बावजूद जो है हालात वही बने हुए हैं, इस सरहद पर अशांति है, क्या कूटनीतिक तरीके से क्या कुछ हो सकता है देश के अंदर, क्या सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर जो है पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो सकती है एक साथ? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो सरकार है
सरकार ने जो कश्मीर में अलगाववादियों को मदद मिल रही है, जो अलगाववादी हैवी होने होते जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, उनको चुप कराना होगा। अलगाववादी जितने भी हैं उनके सभी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और वही अलगाववादी दूसरे परिवार के लड़कों को भड़का के उन्होंने पत्थरबाजी में खड़े कर देते हैं, उनके हाथ में गन दे देते हैं। तो जब तक इनको काबू नहीं किया जाएगा कश्मीर के अंदर, कश्मीर का जो मसला है वो कश्मीर से हल होगा, बाकी देश से हल नहीं होगा। कश्मीर का मसला तो कश्मीर से ही हल होगा। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार रही और साथ ही अब एनडीए की सरकार है, क्या वाकई में जो है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि कोशिश तो यही है कि सरहद पर जो है शांति बनाई जाए, लेकिन इससे पहले भी यही चीजें सामने आई थी, अभी भी वही है। देखिए पहले जो सरकार थी, पहले सरकार में हम ये नहीं सुनते थे कि भी कश्मीर से उग्रवादी कितने पैदा हुए हैं। इस सरकार में हमने ये देखा है कि भी जो आंकड़ा कश्मीर से उग्रवादी ज्यादा पैदा हुए हैं, उसका कारण भी यही है कि कश्मीर का जो मसला है, कश्मीर के मसले को अलगाववादियों को पहले काबू करें, अलगाववादियों को अंदर ठोकें। जब तक अलगाववादियों आप जो इल्जाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, मैं आपको कांग्रेस जो कर रहे हैं, आप देख लीजिए आतंकवादी बाहर के थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ बाहर के हैं, और कश्मीर में बढ़ रहे हैं, कश्मीर के आतंकवादी कितने पैदा हुए हैं आप देखिए कितने हैं, ये जरूर है। आप ये देखिए जितने आतंकवादी मरे हैं उनमें से आपके पास कोई रक्षा मंत्रालय से इस प्रकार का आंकड़ा है तो दे दीजिए। सुनिए ये बिल्कुल गलत इल्जाम है आपका कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद कश्मीरी युवक आतंक में ज्यादा इन्वॉल्व हुए, ये गलत। मैं दावे से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दावे से कह रहा हूँ कश्मीर में लोग ज्यादा हैं, वो मुख्य धारा में ज्यादा पैदा हुए हैं। गोविंद सिंह से पूछ लेते हैं, उनसे मसला करना चाहिए उन्होंने। चलिए दिलबाग जी, कश्मीर से ज्यादा आतंकवादी क्यों पैदा हो रहे हैं जी? कश्मीर के हालात तो आपके सरकार में जो है खराब होने शुरू हुए थे। बिल्कुल इतने ज्यादा खराब नहीं थे जितने आज हैं। अगर जो पत्थरबाज आर्मी के ऊपर पत्थर चलाते हैं, उनको घायल करते हैं और करते हैं, आज वो उनको माफ कर रहे हैं। कहां की मुख्या धारा है अभी? सर, आपको नहीं कैसे कैसे वो आदमी शांति स्थापित करने के लिए ये कर रहे हैं? शांति में आप दोनों तरफ डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाते हैं? बताइए, आप एक तरफ कहते हैं कि जवाब दीजिए, एक तरफ कहते हैं कि शांति वार्ता भी जरूरी है ना कहीं शांति वार्ता भी उन लोगों के साथ नागरिक नहीं है। वो नागरिक है, परंतु ऐसे नागरिक जो वैसी जिस समय बुलेट चलाई गई, असली बुलेट नहीं चलाई गई, मेजर साहब बैठे, उस समय जब छर्रे लगे तो आप ही लोग कहने वाले थे कि देखो जी मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, छोटे बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। उस समय आपने कभी नहीं कहा, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा इस तरह के हालात। आज देश में एक बुद्धिजीवी वर्ग उस समय खड़ा हो गया, उसमें आप भी थे, क्योंकि आप वहां उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आप वहां मुद्दों को भड़का के आपने सरकार वहां बनाई हुई है। सरकार बनाना तो सर गलत नहीं है, सरकार बनाने की कांग्रेस की मंशा नहीं है क्या जम्मू कश्मीर के अंदर? सरकार नहीं, आज हालात क्यों नहीं ठीक करते वहां के? अगर वहां पर जो पत्थरबाज कांग्रेस पार्टी का क्या कसूर है? कांग्रेस हमने आपको कहां दोष दिया? कसूर की बात नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहां पर पत्थरबाजों को आप भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं हालातों के लिए, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। सत्ता में हम हैं, दोषारोपण हम पर होगा, निश्चित रूप से होगा। सरकार तो कांग्रेस पार्टी पर दोष नहीं लगा रहा कि आपने ये किया। अगर वहां लेकिन से सेना में भर्ती होने के लिए जवानों को प्रेरित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर से, तो वो मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं है? नहीं, हम वो कह रहे हैं वो अच्छे वो हैं, ये एक अच्छे काम कर रहे हैं, तो अच्छा, ये एक अच्छा प्रयास है वहां पे, और अच्छे प्रयास ही नहीं है ना, परंतु क्यों गिनवाते? और भी अच्छे प्रयास है ही नहीं आपके वहां। मैं गिना देता हूँ, आप सुनने को तैयार हैं? बताइए कौन सा एक भी प्रयास आप गिनवा रहे हैं? 2000 में तो सर आप ही ने बता दिया, जहां पे आप एक भी रक्षा मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या नहीं किया? अगर मैं कहूंगा तो फिर आप कहेंगे मुद्दे से भटक गए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार करने पे चले गए। जितने अर्धसैनिक बल थे और सैनिक बल थे 2006 से पहले, उनकी क्या स्थिति थी? आज उनकी क्या स्थिति? हमारे साहब एक सवाल ये भी है, अभी डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई है पाकिस्तान और भारत के बीच, ये कहा गया कि सख्ती से हम सीज फायर लागू करेंगे, उसके बाद भी इस तरह का धोखा, पीठ में छुरा घोपना, सर कहां तक हम भरोसा कर सकते हैं पाकिस्तान पर? कोई ना कोई तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। कौशिक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि डीजीएमओ से बड़ा कोई ऑफिसर आर्मी में रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ द आर्मी होता है, जब दोनों डीजीएमओ, और अब की बार तो मैं ये पुख्ते तौर से कह सकता हूं कि उनके डीजीएमओ ने फोन किया, बिहेव किया, रिक्वेस्ट की, पहल की, क्योंकि मेरे नौजवानों ने उसके नाक में चौने चबा दिया। लेकिन
पाकिस्तानी आर्मी जो है उसका डिसिप्लिन बिल्कुल ही नास्ते नाबूद हो चुका है। वो पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ, चाहे वो डीजीएमओ हो, चाहे वो उनका प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वो किसी की भी परवाह नहीं करते। जी सनवारिया साहब, जो पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देश कहता है और यहाँ पर रमजान का पाक महीना चल रहा है तब भी शांति नहीं है, भारत की ओर से रमजान के महीने में कश्मीर में भले ही एक तरफा जो है संघर्ष विराम लगाया गया लेकिन पाक रमजान के महीने को नहीं मानता है, तो ऐसे ना इलाज जो है पाकिस्तान को कहा जाएगा कि कोई इलाज ही नहीं है इसका? ना वो इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा, बट वो आर्मी के हाथ में सारा इलाज नहीं है, उसके लिए पॉलिटिकल विल होगी। उसके मेरे जो साथी यहाँ बड़ी नेशनल पार्टीज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, इजराइल एक छोटा सा कंट्री है और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। हमारे पास तो एक पाकिस्तानी इनकॉरिजिबल दुश्मन है, चाइना इतना खतरनाक दुश्मन नहीं है, वो बड़ा सेंसिबल आदमी है, वो सोच समझ के करता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय सरकार से कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है इसको हम आज के जमाने में टेक्निकली एडवांसमेंट इतना हो गया है जिसको हम सील कर दें, चाहे उसके लिए कितना खर्च लगे और वो सारी सीख ले लीजिए कुछ अभी पीछे गए थे पीएम मोदी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो जाए पार्लियामेंट में कि जो कुछ हो जाए हम इस बॉर्डर को सील कर दे, बिकॉज़ लड़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब पीएम मोदी आए थे इजराइल से होकर कहा गया था सर कि अब जो है मानव रहित करने की कोशिश की जाएगी, बॉर्डर को सील करने की जो है प्रयास किए जाएंगे, अभी तक शुरू नहीं हुए। बॉर्डर की लड़ाई जैसे मेजर साहब कह रहे हैं एकमात्र लड़ाई नहीं है पाकिस्तान से इस आतंकवाद से छुटकारा पाने का, इसमें पूरे देश की भागीदारी जैसे आपने कहा भी लोकसभा में संसद में भी इस प्रकार से राजनीतिक दलों को, पूरे राष्ट्र को कम से कम इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक मत होकर के कहना पड़ेगा कि किसी भी इस मुद्दे पर कम से कम आपको लगता है कोई राजनीतिक पार्टी इससे मना करेगी? मैंने कहा है, मैंने देखिए अब कौन सी पार्टी मना करेगी, कोई पार्टी कहती नहीं है, लेकिन जब 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 ऐसा मौका आता है तो हम, मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों का, पाकिस्तान समर्थक पार्टियों का या लोगों का हम उस समय सहारा देना शुरू कर देते हैं जिससे सवाल वही होता है कि डर तो दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को। 2003 में आपको मालूम है कि भारतीय तोपों के जबरदस्त किस तरह से देखकर जो है पाकिस्तान डर गया था और उसके बाद उसने ही मांग की संघर्ष विराम की। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही की है, लेकिन फिर वही बात, अगर माना गया और रमजान के पाक महीनों को मुसलमान भाइयों की भावनाओं का आदर करते हुए, कश्मीर में मैक्सिमम मुसलमान है, आज मर भी रहे हैं मार भी रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के लोग मुसलमान भाइयों को ही मार रहे हैं, उस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने भी एक उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो धोखेबाज है, वो फिर भी करता है। लेकिन वही बात है, एक ये मसला खाली आर्मी के एक्शन से नहीं, और बहुत सारे मुद्दे अंतरराष्ट्रीय नीति के आधार पर, जैसे जल नीति की बात कर रहे हैं, अंतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव बनाया जा सके वो, लेकिन मैं कौशिक साहब ये कहना चाहूंगा जब तक आंतरिक स्थिति, जब तक आंतरिक स्थिति से आंतरिक हमारा संदेश इस देश का इस तरीके से नहीं जाएगा कि पाकिस्तान के विरोध में हिंदुस्तान में जाएगा, कब जाएगा सर, हिंदुस्तान में भी, ये आवाम की बात है, सभी नेशनल पार्टी की, सभी राष्ट्रीय पार्टी की, चार साल बीत चुके हैं, चार साल में आपके पास सिर्फ छह महीने और हैं, मैं बस देखो आप दोषारोपण कर रहे हैं और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चार साल में सब कुछ करना चाहते हैं राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देती है। हो गया सर आपका, देखिए कौशिक साहब मैं जो डिबेट यहां देखता हूं या पार्लियामेंट में देखता हूं जी सर, और बड़े बड़े नेता कहते हैं कि फौजी तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं बॉर्डर पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ा दुख होता है उस वक्त। मैं आज आपको आपके चैनल से सारे देश को ये संदेश एक फौजी होने के नाते देता हूं कि आर्मी के लिए सेंसिटिव होने के लिए जितने हमारे एबल बॉडीड जवान हैं उनको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए, चाहे वो कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा देश के लिए, अगर सारे 130 करोड़ लोगों में से एबल बॉडी लोग जो हैं ट्रेन होते हैं तो उनको आर्मी का दुख पता चलेगा, और फिर ये पॉलिटिकल साथी हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर कह पाएंगे कि आज आज अगर मेरा बच्चा फौज पे मरता है कल किसी प्राइम मिनिस्टर का बच्चा फौज में मरेगा, सीएम का बच्चा फौज में मरेगा, तो उनको पता चलेगा कि फौज क्या होती है। बिल्कुल, बहुत सही। देखिए जब तक हमारी जो भारत की सरकार है
इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया, चाहे वो नोटबंदी करके किया है, चाहे वो जीएसटी लागू करके किया है, जब तक रक्षा बजट नहीं बढ़ाएंगे, रक्षा बजट बढ़ाना सबसे जरूरी है, रक्षा बजट बढ़ा के ही इसका मसला हल हो सकता है, नहीं तो इसका कोई मसला। आप उदाहरण दीजिए, रक्षा बजट बढ़ा करके किस प्रकार से इसका समस्या का हल निकलेगा? आप भी इंडियन नेशनल जिसे चौधरी आप बताइए, समाधान बताइए, हमारे फौजी भाइयों को आपकी मैं बुराई करूं या आप मेरी बुराई करें उसमें नहीं, समाधान भी बताइए। आप मुझे ये बताइए, अच्छी बात है विपक्ष, मोदी जी इजराइल कब गए थे? विपक्ष से मैं सुझाव मांग रहा हूं, बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मोदी जी इजराइल कब गए थे? फिर वही बात, इजराइल गए थे तो वहां से रक्षा बजट, वहां से दीवार जो हमारी बॉर्डर की दीवार बननी है, रक्षा बजट उसकी एक मिनट पहले बात तो सुन लीजिए ना, वही बता रहे हैं आप, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मोदी जी जो इजराइल गए थे वहां से प्लान लेके आए थे बॉर्डर की दीवार की, उसके बाद लेजर दीवार जो बननी थी, उसके बाद मुझे ये बताइए मोदी जी ने कितनी बार उसके बारे में मीटिंग की है कि हम लेजर दीवार बना रहे हैं? सबसे पहले इसका जवाब दीजिए आप, कितनी मीटिंग हुई है हमारे रक्षा मंत्री ने, कितनी मीटिंगें की है रक्षा मंत्रालय की बैठक हमारे पास, और रक्षा मंत्रालय की बैठकों का सार्वजनिक नहीं होता, आप भी जानते हैं, रक्षा मंत्रालय की बैठकों का सार्वजनिक जो है प्रचार और प्रसार नहीं होता, ये भी आप जानते हैं। लेकिन सर जवाहर साहब ने कह दिया नहीं, आप बताइए रक्षा ने कहा चुके हैं बढ़ाने, मैंने कब कहा, आप कह रहे हैं क्या जरूरत है, मैंने ये कहा कि कहां रक्षा बजट, आपने रक्षा बजट बढ़ाने की क्या जरूरत है, मैंने बोला कि भी लेजर द्वार जो भारतीय भारतीय सेना बनी है, तब जब एक दिन मीटिंग भैया को चालू सिर्फ इजराइल जाने के नाम में, भूम सिंह जी इजराइल गए थे उसके बाद कोई मीटिंग नहीं की। जोहर साहब आप कह रहे हैं कि रक्षा बजट में अगर कटौती की गई है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत माइन्यूट कटौती आप भले ही बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय की जो बैठकें होती हैं वो सबके सामने नहीं होती हैं, लेकिन अगर रक्षा बजट में आप कटौती कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा कहां से देंगे आप? रक्षा बजट की कटौती का मैं ये कहना का मेरा तात्पर्य पहले भी होता अब भी यही है कि भारतीय सेना को सैन्य उपकरणों के बारे में अगर कहीं से कोई कमी दी गई हो, चीन से हम सीख क्यों नहीं लेते? देखिए साहब, सीख लेने का तो है कि हमें अपने एक्सपीरियंस, हर एक कंट्री के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी आर्मी, मैं फिर कहना चाहता हूँ सेना पर इन्वेस्ट करते हैं सर वो बहुत। हाँ हाँ, नहीं वो मैंने अभी कहा, रिक्वेस्ट की कि पार्लियामेंट में सब लोग अभी जो लेजर की जो हम दीवार बनाने की बात कर रहे हैं, देखिए वॉर नहीं कर सकते वो हमने, ये मैं अपने छोटे से दिमाग से बता पा रहा हूँ और कोई करने भी नहीं देगा, तो लेजर की उसमें क्या मुश्किल है? जो बजट है वो एक रूलिंग पार्टी खाली पास नहीं कर सकती, सब लोगों को मिलना पड़ेगा, 500 के 500 लोग खड़े हो जाए पड़ेगा। आज आप पास कहना चाहते थे, आप बताइए। आज जो सेना को बहुत चीज की कमियां हैं, सेना को और ज्यादा रक्षा बजट में बढ़ोतरी की जरूरत है, जो कि मोदी जी ने बिल्कुल नहीं किया, उसमें कटौती की है उनको, और एमपी एमएलए और दूसरी उनको ज्यादा सुविधा, उनकी 10-10, 15-15 गुना तनख्वाह बढ़ा दी गई है। आपकी पार्टी के सांसद क्या उस पर हामी भरते नहीं नजर आए थे क्या? मैं ये कह रहा हूं, आप बताइए अपने, मैं ये कह रहा हूं, जब सरकार की पॉलिसी है, जब सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी नहीं है, ये कह रहा हूं पॉलिसी एक मत से, पॉलिसी नहीं एक मत से पास होते हैं, प्रस्ताव सरकार की पॉलिसी है, प्रस्ताव पास होते हैं, ऐसे पास तो मोदी जी ने किया, पास किसने किया? मोदी जी ने किया, आपने विरोध किया, आपने विरोध किया, अरे विरोध की कहां वो गंजाइश छोड़ते हैं, किसी गंजाइश छोड़ते हैं, आपने विरोध किया, रक्षा बजट भी आज पास होना चाहिए, आप बताइए जो आपने एमपी एमएलए की सैलरीज का रक्षा बढ़ाने की बात की, आपकी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो कहीं प्रदेश स्तर पर इसका बहिष्कार किया, तो आपने किया विरोध किया, वो आपने विरोध किया, आप तो कर रहे हो क्या मोदी जी को इस बात का, आपने आज आज उस समय तो आप आज रक्षा बजट बढ़ाना जरूरी है, क्या मोदी जी को आज ये बात का भी पता, रक्षा बजट बढ़ाना जरूरी है? आप अपने प्रश्न से हट रहे, आपने बात हो चुकी है, चलिए बोलिए भूम सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अनिवार्य साहब के पास। मैं ये कहता हूँ आज रक्षा बजट को बढ़ाने की जरूरत है जी, बिल्कुल, देश की सुरक्षा के अंदर, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में भी बहुत अभी कमी है, बड़े हथियारों की कमी है सेना के पास भी, जो पुराने हथियार है, और एक विशेषज्ञ ने तो ये कहा था अभी पीछे कि जब अगर युद्ध शुरू, लेकिन उनका खंडन भी किया था निर्मला सीतारमण ने, मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आर्मी के जैसा हम हालात देखते हैं आज भी या और है, उसको और जरूरत है, और मॉडिफाई करने की जरूरत है, जैसे हालात फौजी भाई है जिस तरह वीडियो डाल के
फेसबुक पे भी आपने देखा है उनके हालात, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की बात कर रहे हैं तो वहां उन्होंने कैसे वीडियो डाल के कहा भी हमें खाना तक भी अच्छा नहीं मिलता। तो इन बातों के लिए देश की सुरक्षा पहले है, बाकी बातें बाद में है। आज जिन साथियों को शहीद हुए हैं, जो आज मौजी भाई शहीद हुए हैं, अगर अच्छे उनके सुरक्षा के प्रबंध और होते तो शायद इस तरह हमारे फिर से वही सवाल कि आखिर क्या ऐसा क्या करें कि हमें ऐसे खबरें ना सुनानी पड़े ना सुननी पड़े, बहुत दुख होता है सर। बिल्कुल कौशिक साहब, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। मैं फिर रिट्रीट करता हूं कि जिसका मरता है उसी को पता चलता है, हम यहां डिबेट कर लेते हैं। मैंने 71 वॉर का वॉर लड़के देखा है और अब जो जितनी भी आर्मी है वह पोस्ट 71 वॉर है, उन्होंने वॉर देखा ही नहीं। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि आगे आने वाला वॉर वो बंदूक के और तलवार के द्वारा नहीं होने वाला है, वो वार बहुत हायर लेवल पे होगा। लेकिन मैंने बताया कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए वॉर की जरूरत नहीं है। हम तैयार हैं सर उसके लिए। हम लोग यस, हमारी फौज गिवन सर्कमस्टेंसेस के लिए किसी भी हमले का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जरूरत है कि कूटनीतिक स्तर पर जो है पाकिस्तान को रोकने के लिए उसकी गर्दन को पकड़ना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, सर समय कम है आपका जवाब नहीं ले पाएंगे, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान जुड़े। लेकिन साथ ही देखना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए आखिर कूटनीतिक स्तर पर जो है सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल विल की जरूरत है और सभी पार्टियां एक साथ सामने आए और कहें कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी सरकार को अब बनानी चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।